तो हेलो गाइस, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, एलविश यादव टेम्पटेशन आइलैंड के एपिसोड के अंदर रोने लग गए थे एंड फिर उसके बाद एलविश यादव के ऊपर काफी सारे ऐसे रील्स बनने लग गए थे कि एलविश यादव अपनी एक्स को याद कर रो रहे हैं एंड इस चीज के ऊपर एलविश यादव ने अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं किया था कि उस दिन वो एपिसोड के अंदर क्यों रोए थे। तो एलविश यादव आज के व्लॉग में मिले उसी टेम्पटेशन आइलैंड के एक कंटेस्टेंट से, जिसके टास्क को देखने के बाद एलविश यादव रोने लग गए थे एंड उसी कंटेस्टेंट ने एलविश यादव से ये पूछ लिया कि आप उस दिन रोने क्यों लग गए थे एंड उसके ऊपर एलविश यादव ने रिप्लाई करते हुए क्या जवाब दिया, आप लोग खुश वो तो यार मेरे को अपने ब्लॉग में बनानी थी। कौन सी वाली? एक रील तो आपकी बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी। कौन सी वाली? वो जब मेरे को वो शर्ट उतारने वाला टास्क दिया तो रोए किसको याद करके थे? अरे नहीं, वो रोया थोड़ी हूँ मैं, तो बाहर तो वो तो दिखाते ऐसे एडिट में यार। मैं तो मतलब बैठा भी हूँ तो रिकॉर्ड करके वो डाल दिया। हम तो आज ही देख रहे थे भाई तुम्हारा फिनाले वाला। मेरे को टैग करे लोग, कह रहे कि वो जिम्मी भाई को देख कर वो पढ़ा लिया। नहीं, जिम्मी भाई ने जब प्रपोज किया ना उसे गार्गी को, तो एलविश भाई को अपने पास्ट की याद आ गई। एलविश भाई का तो पास्ट ही नहीं है। बॉय 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 कसम से हैंड वाली एलविश भाई का हार्ट भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ है ना, ये सही में और बिल्कुल क्लोजअप लिया हुआ है रोने का। भाई वो एडिट ऐसे करते हैं यार। अब मैंने इतनी अच्छी अच्छी चीज बोली जिम्मी के बारे में, जिम्मी का सिर्फ गलत गलत दिखाया ना, सब गलत दिखाई है। अच्छी तरह जानू रो तो ना सके, इतनी सी बात पे रोएंगे भाई? तो अरे मैं भी कह रहा था, वी डोंट क्राई, विमेन डोंट क्राई भाई। फिर कोई कह देगा मिसोजिनिस्ट क्या इसमें है? हम तो भाई चलो, आप में से किन किन लोगों को लगता है कि एलविश यादव सिर्फ कीर्ति मेहरा को याद कर रोए थे, अपने ओपिनियन नीचे कमेंट कर जरूर बताना। एंड गाइस, आज के लिए बस इतना ही अपडेट था, जल्दी नेक्स्ट अपडेट था, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल ना भूलें।